रतलाम ग्रामीण विधायक की भाजपा से दावेदारी कर रही पूनम प्रफुल्ल सोलंकी ने भाजपा की सूची में नाम नहीं आने पर नाराजगी व्यक्त की है। यहां तक कि पूनम प्रफुल्ल सोलंकी अपने इस्तीफे पत्र के साथ भाजपा कार्यालय पहुंची तथा जिला अध्यक्ष कान सिंह चौहान को अपना पत्र सौंप दिया। भाजपा नेत्री का कहना है कि 5 विधानसभाओं में से किसी भी महिला को टिकट नहीं दिया गया है। हालांकि इस मामले में भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि यह स्वाभाविक है कि टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी होती है, लेकिन कार्यकर्ता को समझाया गया है और उन्होंने पार्टी के साथ खड़े होने की बात कही है। कैमरा 24 के लिए रतलाम से अंकित पाटीदार की रिपोर्ट। मैं पार्टी में जो काम करते हैं, संगठन का जो काम करते हैं, उनको टिकट नहीं दिया गया है, इससे मैं बहुत नाराज हूँ। क्योंकि जो नौकरी सरकारी नौकरी करते हैं और उनको टिकट दिया जाएगा तो पार्टी में कार्यकर्ताओं की क्या वैल्यू रहेगी, इसलिए मैं बहुत नाराज हूँ। मेरा भी नाम सर्वे में सबसे आगे गया, सभी रिपोर्टों में आगे गया। मैं महिला होकर सबसे पूरे जिले में काम करती हूँ, जिले की जिला मंत्री हूँ दूसरी बार से, उसके बाद भी मुझे अनदेखा कर दिया गया। और पूरे जिले में 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा में एक भी महिला को टिकट नहीं दिया गया, इससे मैं नाराज हूँ। इस्तीफा मैंने अभी दिया है, उन पर जिला अध्यक्ष जी गौर कर रहे हैं। असंतोष है ऐसा तो कुछ नहीं, कुछ कार्यकर्ता आए थे, उनको लगा कि नहीं मेरे को टिकट मिलना चाहिए, तो उनको समझा दिया है और वो हमारे कार्यकर्ता है, समझते गए हैं, कोई नाराजगी वाला मामला नहीं। उन्होंने पार्टी से पद से भी इस्तीफा वगैरह दिया? नहीं, मेरे को तो नहीं है, मैंने तब बात करी है, उन्होंने कहा नहीं। स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा आक्रोश था, मैंने समझाया।